हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शरारे की कटिंग और स्टिचिंग। एकदम न्यू एंड डिफरेंट पैटर्न के साथ मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। एकदम बुटीक स्टाइल गरारा शरारा आप इस तरीके से तैयार कर सकती हो। ये शरारा बनाना बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शरारे के साथ तैयार की है मैंने एक कुर्ती, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। या आप इसके साथ पैपलिम भी तैयार कर सकती हो। पैपलिम की वीडियो भी मैं काफ़ी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, 4.25 मीटर हमारा यहाँ पर फैब्रिक लिया है मैंने, जॉर्जेट का है, ये एम्ब्रॉयडरी में है। और इसके साथ मैंने लिया है ये प्लेन लाइनिंग का फैब्रिक, यहाँ पर करीब मैंने 2 से 2.5 मीटर हमारा लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ होगा। बेल्ट के लिए फैब्रिक कट किया है, इसकी लेंथ है यहाँ पर, इसको 2 फोल्ड करके रखा है, लेंथ है 9.5 इंच, 7 इंच हमारी जो बेल्ट की होंगी उसकी तैयार लेंथ आएंगी। 21 इंच कमर है, जिसमें हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे और 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, तो 25 इंच फोल्ड करने के बाद इसका आ रहा है। फैब्रिक कम था तो यहाँ पर मैंने इसमें जॉइंट डाला है और इतना ही मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को कट किया है। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का फैब्रिक, क्योंकि हम बेल्ट वाला शरारा बना रहे हैं। इसके बाद बाकी का बचा हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक, जिसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। बाकी के बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है लेंथ वाइज। ये फोल्डेड साइड को कट कर देंगे और नीचे की साइड यहाँ पे 2 पार्ट्स हमारे ओपन हैं और 2 पार्ट्स हमारे फोल्डेड हैं, उनको भी कट कर लेंगे। इसकी लेंथ है 34 इंच, 32 इंच हमारी यहाँ तैयार आएंगी। जब ऊपर की साइड 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और नीचे की साइड से फोल्ड होएगा तो 32 इंच हमारा नीचे वाला पार्ट तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर ये कट कर लिए हैं और इस तरीके से हमारे 4 लेयर आई है। 1 पार्ट्स में हमारी 2 लेयर होंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ दिखा देती हूँ, जो हमारा एक पैनल होगा, एक जो पांचा होगा शरारे का, उसकी विड्थ कितनी होगी। लेंथ इसकी यहाँ पर ली है 34 इंच और विड्थ इसकी यहाँ पर है 47 इंच। यहाँ पर जो हमारे फैब्रिक की विड्थ है, पन्हा जो है वो 47 इंच का है, 47 इंच के करीब इसकी विड्थ, 47 इंच विड्थ हो गई और 34 इंच इसकी लेंथ हो गई। जो हमने फैब्रिक की 4 लेयर्स कट की थी, मैंने इनको यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर एक साइड, इस पर हम आसन की लेंथ का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 8 इंच पर। 7 इंच हमारा बेल्ट की लेंथ हो गई और 8 इंच हमने इसमें नीचे वाले पार्ट में आसन की लेंथ ली, 14 से 15 इंच यहाँ पर हमारे इसकी तैयार लेंथ आएंगी। इसके बाद 8 इंच का निशान लगाने के बाद 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने आसन का निशान लगा लिया, 14 इंच हमारे यहाँ पर आसन की रेडी लेंथ आएगी। निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है आसन की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पार्ट लेंगे। सबसे पहले जो हमारा शरारे का 1/5 मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये 2 लेयर ली है। 1/5 में हमारे इस तरीके से 2 लेयर होंगी। ये हमारे फैब्रिक की विड्थ हो गई और ये जो किनारी वाली साइड है, इसकी स्लीव्स वाली जो साइड है, ये हो गई हमारी इसकी लेंथ। तो ये साइड वाली हो गई, एक साइड तो हमने यहाँ पर आसन के लिए कटिंग कर दी और ये हमारा दूसरा वाला साइड है। तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा कर इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद मैंने फैब्रिक को विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा है, लाइनिंग के फैब्रिक को। इसकी विड्थ ली है 20 इंच और लेंथ ली है मैंने 34 इंच। आसन की लेंथ 8 इंच ली है और यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाकर आसन को गोलाई दी है और इसकी कटिंग कर ली है। फोल्डेड साइड थी, इसको भी हमने यहाँ से कट कर लिया है। इस तरीके से हमारे जो लाइनिंग की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने साइड में इस पर सीधी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाली साइड से इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारी आसन वाली साइड हो गई, अभी नीचे वाली साइड है, यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप यहाँ पर पीको भी करा सकते हो या कोई बारीक लेस भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। फोल्ड किस तरीके से करना है, 1/2 इंच फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड से मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे फोल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली साइड इस पर गैदरिंग करेंगे और इसका जो हम लाइनिंग का फैब्रिक है उसको ही मैंने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है और इस पर भी हम ऊपर वाली साइड गैदरिंग करेंगे। तो इसको इस तरीके से ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाला हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे टाके लगाएंगे। आप इसको मशीन से लंबी चाल से सिलाई लगाकर भी गैदरिंग कर सकते हो या सिंपल जिस तरीके सुई होती है उससे भी यहाँ पर छोटे छोटे टाके लगाकर गैदरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस पर भी इसी तरीके से पूरे पर गैदरिंग कर लेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक पर भी हमें इसी तरीके से गैदरिंग करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इस पर गैदरिंग कर ली है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक पर भी गैदरिंग की है। दोनों पर हमने यहाँ पर गैदरिंग करके तैयार कर ली है। अब हम इसको बेल्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है स्टिच कर। ज्वाइंट था उसको भी हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, उस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्डेड साइड से इसको कट कर लेंगे। इसकी विड्थ है 25 इंच। इसका एक पार्ट लेंगे, एक पैंचे में हम एक पार्ट ज्वाइंट करेंगे और ये दूसरा पार्ट हम दूसरे पैंचे में ज्वाइंट कर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रखा, पहले लाइनिंग का फैब्रिक रखा, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखा। अब इसके ऊपर रखेंगे हमारा जो बेल्ट का फैब्रिक है, एक पीस लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर रखकर सीधी सिलाई लगा ली है, बेल्ट को हमने इस पर अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और इस पर यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। मार्जिन के फैब्रिक को ऊपर की साइड करेंगे और इस पर यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली है और इस तरीके से जो हमारा एक पैच जो है वो तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे पैच को भी तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसका दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक पार्ट तैयार करके दिखाया है उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने एक पार्ट लिया और आप इसकी देख सकते हो एक पैंचे में कितना नीचे की साइड जो घेर होता है कितना अच्छा इसमें घेर आ रहा है। अब हम इसको ओपन करके रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसको खोल कर रखना है। अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की राइट साइड को फेस करते हुए हमें यहाँ पर इस पर रखना है इस तरीके से और यहाँ पर हम इनको पकड़ेंगे और इस पर इसी तरीके से आसन पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आसन पर हम यहाँ पर अच्छे से डबल करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर हमें आसन पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट्स को यहाँ पर पकड़कर। आसन पर यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। दोनों साइड इसी तरीके से यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगाई है, दोनों साइड सिलाई लगा ली है आसन पर। अब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे, ओपन करने के बाद आसन की सिलाई को यहाँ पर मिलाना है और फैब्रिक को इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर हम पकड़ेंगे। अब यहाँ पर हम इस पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने इस पर मार्किंग की है वहाँ पर हम इस पर निशान पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे।
तो जहां हमने निशान लगाया था उससे हाफ इंच ऊपर हमें कट लगाना है। यहाँ पर हमने एक कट लगा लिया। इसके बाद मेन फैब्रिक पर यहाँ पर सिरके से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक को यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना है और इस पर भी यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से नीचे के साइड से इसको मिलाकर पकड़ेंगे और इस पर इसी तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। जहां हमने कट लगाया था वहां पर लाकर इसको हम रोक देंगे अच्छे से पक्का कर। इसके बाद यहाँ पर हम लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पर भी बिल्कुल इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से अब दूसरी साइड भी यहाँ पर हम कट लगाएंगे और जिस तरीके से मैंने आपको एक साइड सिलाई लगाकर बताया है बिल्कुल उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है, इसको हम अपनी बेल्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बेल्ट पर इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर हाफ इंच फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इलास्टिक को कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद इलास्टिक पर सेंटर की सिलाई लगाएंगे। प्लास्टिक को कवर करते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसके सेंटर पर हम सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को खींचते हुए। प्लास्टिक पर यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और हमारा शरारा एकदम तैयार है। दूसरे पांचवे पर भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। तो ये है हमारे शरारे का फाइनल लुक। आप भी बुटीक स्टाइल शरारा घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको किसी टेलर के पास या किसी बुटीक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मेथड यूज़ कर घर पर ही शरारा तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम डिफरेंट और न्यू पैटर्न के साथ। इस तरह के गरारे के साथ आप पैपलिन या फिर कोई शॉर्ट कुर्ती या ओपन स्लाइड कुर्ती तैयार कर सकती हो। इसके साथ मैंने इस तरह की शॉर्ट कुर्ती तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।